एपीएल का कार्ड है, बीपीएल का नहीं है। मत पूछना बीपीएल का क्यों नहीं है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैंने जो पासपोर्ट ऑफिस के लिए अप्लाई किया था उसका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है, और मुझे एसपी ऑफिस से कॉल आया था कल रात को कि मुझे थाना आके वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो नाश्ता करेंगे, उसके बाद चलेंगे अपन पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने के लिए। अपना नाश्ता आ गया भाई। नाश्ते में पराठे की रोटी और आम का अचार, और यह लाल भाजी। गर्मा गर्म आलू सूखा वाला मेरा फेवरेट है, मसालेदार वाला, बहुत अच्छा लगता है। मेरे को मम्मी बनाती है, टेस्टी बनता है यार। और रसे वाले में नींबू डाल दो तब तो स्वाद ही अलग होता है। अरे क्या बताऊँ, आज वही सब्जी बनने वाला है। नाश्ता कर लिया, अब थाने चलेंगे वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट का जो है। लेकिन उससे पहले भाई, अभी हमारा चावल मिल रहा है तो मैंने कार्ड ले लिया है, चावल लेने के चलते हैं। ये हमारा एपीएल का कार्ड है, बीपीएल का नहीं है। मत पूछना बीपीएल का क्यों नहीं है, आप समझदार हो। मैंने पैसे भी ले लिए हैं, अब चावल लेने के लिए पहले चलते हैं। अगर भीड़ होगा तो अपन कार्ड को जमा कर देंगे, उसके बाद अपन थाना चले जाएंगे। चलो बाइक निकालते हैं, मैंने ले लिया है ये चाबी और लगा देता हूँ चश्मा। पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गया हूँ, अभी मैं दुकान के पास आया हूँ, भैया ने बुलाया था, उसके बाद चलेंगे हम पुलिस स्टेशन। आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं भाई, क्या पता पानी गिर जाए। मैं रेनकोट रख लिया हूँ, इसके अंदर है ये। चलो भाई चलते हैं, पानी गिर गया तो पूरा कपड़ा वपड़ा भींगेगा भींगेगा, पूरा फाइल अपना भींग जाएगा। अपन थाने चल रहे हैं बहुत, क्योंकि सोसाइटी में बहुत भीड़ है इसलिए। ये देखो मैं आ गया अपने इलाके का पुलिस स्टेशन, यहाँ पे मेरे को वेरिफिकेशन के लिए बुलाए थे। तब तक मैं आपको आउटलाइन वाला एरिया दिखाता हूँ कैसा दिखता है पुलिस स्टेशन। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये थोड़ा बिल्डिंग बना है, 2-3 फ्लोर का बना है। मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कैसा है व्यू। ये हम अंदर आ गए हैं, यहाँ पे मेरे वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट मांगे थे, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। यहाँ पे स्कैन करेंगे, उसके बाद जो भी सील वगैरह लगाना होगा वो लगाएंगे। फल दुकान आ गया हूँ केला लेने के लिए, होटल आया हूँ मैं समोसा लेने के लिए, समोसा लूंगा उसके बाद घर चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा समोसा कैसा है। समोसे ला लिए हैं, अब इसको ओपन करते हैं भाई। गर्मा गर्म समोसा खाने के लिए तैयार। थाना में मेरा वेरिफिकेशन करवाना था वो कंप्लीट कर लिए हैं। मम्मी और पापा महासमुंद गए हैं सामान लाने के लिए, दुकान का हमारा सामान थोड़ा खत्म हो गया था ना, तो कुछ कुछ सामान जो है उनको लाने के लिए वो महासमुंद गए। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान लाए हैं। ये आ गया है अपना शॉप का सामान, क्या क्या लाए हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें क्या रखा, इसमें बैग है स्कूल वाले, जो भी स्कूल वाले बैग होते हैं वो हमारे दुकान से लाते हैं, इसलिए बहुत सारे लाए हैं, पूछो चुमड़ी भर के लाए हैं। और ये कार्टून में अपना चूड़ी वगैरह सामान होगा कीमती वाला, और इस बोरी में घर बोरी को घर से ले गए थे, तो इसमें ना कुछ खड्डे वाला सामान होगा, तो इसमें खड्डे वाला ही सामान है। इसमें क्रीम वगैरह लाए हैं जो प्लास्टिक का रहता है, वो सामान सब इसमें है, टिकली वगैरह है और नेल पॉलिश वगैरह है, ताबीज वगैरह है। और इधर एक बोरी में और सामान रखा है, इसमें कुछ ना मटेरियल होगा, वो मटेरियल वाला सामान रखा है कपड़े वाला, तो चलो उसको रहने देते हैं। हमारे दरवाजे का लॉक खत्म हो गया है, एकदम लग ही नहीं रहा है, बहुत टाइट हो गया है, और ऊपर से वो स्क्रू ऊपर का निकल गया है। मैं दिखाता हूँ, वो पूरा ढीला हो गया है और कभी भी किसी को लग सकता है, बहुत तेज़ है। ये देखो ये निकल गया है और बन ही नहीं रहा है, पूरा एकदम चिपक गया है। मैं ये दरवाजे के लिए मैं ला लिया हूँ भाई स्क्रू, वो खत्म हो गया, चलो इसको बनाते हैं। अब लॉक के लिए सभी स्क्रू ला लिए हैं, अब इसको सेट करेंगे। ये सेट हो गया है अपना अच्छे से, अब इसको दरवाजे में फिट करते हैं। दरवाजे में हमने फिट कर लिया, अच्छे से कस लिया है, अब ये लग जा रहा है आराम से, एकदम डन है भाई, काम तो अच्छा ही हो गया है। आज का तो एक्सपीरियंस ही अलग था भाई, सुबह सुबह थाना गए थे और पूरा थाना घूम के आए, वहाँ तो वीडियो नहीं बना सकते थे, लेकिन जितना हो सका मैं आपको दिखाऊंगा। और पासपोर्ट में बहुत टाइम लगा मेरे को, 2 घंटे वहाँ पर बैठाया गया था, और कुछ कुछ एक्सपीरियंस आया वहाँ पे, दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा, कभी कभी शेयर करूंगा। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही भाई, आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नाश्ता हमने कर लिया है, अब थाने में 10 से 10:30